सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार, सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपनी गैलेक्सी S10 लाइनअप का एक ब्रांड न्यू फोन, जो कि यहाँ पर दोस्तों ये है मेरे पास में सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। तो यार आज दोस्तों हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी S10 लाइट के बारे में। देखते हैं आखिर कैसा है ये फोन, क्या है इसके अंदर कुछ खास नए फीचर्स और कीमत क्या है इसी गैलेक्सी S10 लाइट की, जहाँ पे ये जो फोन है ये आप में से कोई एक व्यूअर बड़े आराम से जीत भी सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे हमारे पास में सैमसंग की तरफ से आने वाला लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट। और यार मैं इसको लेके इतना एक्साइटेड था कि मैंने मतलब इसके बॉक्स के आने का भी वेट नहीं किया, सीधा फैक्ट्री से फोन लेके आ गया हूँ आपके सामने बात करने के लिए। बिकॉज दोस्तों इस फोन में है ही खैर इतना कुछ खास। आप खैर अभी का भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो फोन है ये आप में से किसी एक लकी व्यूअर को मिलने वाला है। और खैर अनबॉक्सिंग जो है वो दोस्तों हम कर लेंगे आराम से, लेकिन अगर हम करते हैं दोस्तों शुरुआत इसी फोन के बारे में बात करते हुए, फोन के फिजिकल और व्यू को देखते हुए, तो यहाँ पे राइट साइड में है हमारे पास में पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। ऊपर तरफ से मिल जाता है यहाँ पे हमको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। जो लेफ्ट साइड है वो ऑलमोस्ट पूरी क्लीन है, एक्सेप्ट इस सिम ट्रे के, जो कि दोस्तों एक हाइब्रिड सिम ट्रे है। आप चूज कर सकते हैं ड्यूएल सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ हमारे पास में है USB-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल। अगर हम देखते हैं यार फोन को पीछे की तरफ, तो पहली बात तो ये जो प्रिज्म ब्लू कलर है ये मेरे को पहली नजर में देखते हुए काफी अच्छा लग रहा है। मतलब काफी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है हमको इस कलर से, जहां पर दोस्तों काफी अच्छा सा आपको मिल जाएगा देखने में। लेकिन यहां पर दोस्तों एक और खास बात ये है कि हमको इसे मिलता है ये एक ब्रांड न्यू ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जो कि आता है सुपर स्टेडी OIS ऑप्शन के साथ में। जहां पर दोस्तों जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का F2 एपर्चर वाला, जहां पर हमको सुपर स्टेडी OIS का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा है यहां पर 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा, और उसके बाद में दोस्तों अवेलेबल है 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए। अब यहां पे यार ये जो सुपर स्टडी OIS इसके चलते होता यह है कि मतलब जो कंप्लीट कैमरा मॉड्यूल है वो दोस्तों मूव करता है, तो जो मतलब आपको मिलती है स्टैंडर्ड OIS के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी वो भी और ज्यादा बेहतर होती है। और अगर आप रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस तो लगता है कि बिल्कुल जैसे आपने किसी गिम्बल को यूज किया हो। खैर हम इसको चेक करेंगे आगे आने वाले सेक्शन में कि जो एग्जैक्टली स्टेबिलाइजेशन है वो कैसा है इसी फोन का। अगर दोस्तों बात करते हैं सामने की तरफ, तो इसमें है एक 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस इन्फिनिटी ओ सुपर AMOLED डिस्प्ले। और आप दोस्तों जानते हैं कि यार सैमसंग का जो AMOLED डिस्प्ले होता है मतलब वो तो खैर सबसे अच्छा होता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों इनफैक्ट जो व्यूइंग एंगल्स हैं, जो स्क्रीन क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और ऑलमोस्ट आपको कोई भी बेजल देखने को नहीं मिल रही है ऊपर नीचे दाएं बाएं। जहां पे अगर आपसे बात करता हूं इसी इन्फिनिटी ओ कटआउट की, तो यहां पे दोस्तों लगा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, तो ये भी मतलब काफी अच्छा आपका साथ निभाएगा सेल्फीज क्लिक करने के लिए। अगर दोस्तों बात करते हैं कुछ और डिटेल्स की फोन में, दोस्तों अगर हम देखते हैं कुछ और के ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहां पे फिलहाल दोस्तों ये चलता है One UI version 2 पे, जो कि बेस्ड है Android 10 पे, तो ये एक काफी अच्छी बात है। साथ में दोस्तों आपको डिजिटल वेलबींग जैसे और बहुत बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहां पे लगा है Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर, तो मतलब यहाँ पर दोस्तों इंडिया में बहुत लोगों को चाहिए था कि मतलब एक सैमसंग का फ्लैगशिप फोन हो जो कि आए एक टॉप नॉच स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में। तो फाइनली ये एक काफ़ी अच्छी खबर है कि इंडिया में ये जो फोन है ये दोस्तों आप बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर लगी होगी ताकत स्नैपड्रैगन 855 की। इसके अलावा है यहाँ पे 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, और जो बैटरी है वो है दोस्तों 4500 mAh की। मतलब 4000 के पार दोस्तों अगर हम निकल जाएं तो आप जानते हैं कि जो बैटरी लाइफ है वो और हमको बेहतरीन से मिलती है। तो यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी है, और यहाँ पे इनफैक्ट जो है 25W का जो सुपर फास्ट चार्जर है वो हमको बॉक्स में ही मिलेगा, तो मतलब बैटरी बैकअप बहुत लंबा, और एक बार अगर बैटरी लो हो तो जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बहुत ही बेहतरीन से रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए खैर कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे मोड्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ लाइव फोकस वीडियो
की या फिर जूम इन माइक की या फिर मैक्रो मोड या फिर अलग अलग टाइप की अगर आप स्लो मोशन की बात करें तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस फोटोज वीडियोज रिकॉर्ड करने के लिए। फिलहाल खैर यहाँ पे मैं कुछ कैमरा सैंपल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो मैंने इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा से क्लिक किए हैं, जहाँ पे दोस्तों जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली मुझे तो खैर पहली नज़र में बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। बाकी अगर दोस्तों आप भी देखिए फिलहाल जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये जो अभी एक सुपर स्टडी वीडियो का ऑप्शन है तो वो आप देख के बताइए, बिकॉज देखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मैं अभी चल रहा था लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली एकदम से लगता है कि आपने जैसे किसी गिम्बल पे इसको रिकॉर्ड किया हो। बाकी खैर लाइव फोकस वीडियो वगैरह भी है, तो मतलब ये है दोस्तों कहानी इसी फोन के कैमरा की। फिलहाल खैर कुछ वीडियो सैंपल्स आपके लिए भी आगे आने वाले हैं। दोस्तों ये अभी कुछ ऐसा एग्जांपल है लाइव फोकस वीडियो का जहाँ पे आई थिंक मैं फोकस में हूँ, जो बैकग्राउंड है वो ब्लर्ड है, लेकिन अभी आप खैर जज कीजिए, मेरे को अगर दिख नहीं रहा है कि एग्जैक्टली जो क्वालिटी है वो कैसी है, लेकिन ये है लाइव फोकस वीडियो सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट स्मार्टफोन का। अभी यहाँ पर दोस्तों जो एग्जाम्पल है वो है फ्रंट फेसिंग कैमरा से लाइव फोकस वीडियो का, और आई थिंक की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब DSLR वाला लगता है हिसाब किताब कि भाई जो फेस है वो पूरा फोकस में और जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छे से ब्लर्ड है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ मैं बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो लगा है स्क्रीन के नीचे, जिसकी स्पीड डेफिनेटली मुझे बड़ी मतलब अच्छी सी लगी है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ करके फ़ोन को अनलॉक करते हैं। और इनफैक्ट जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी तेज़ी से काम करता है फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, तो आपकी जो प्रेफरेंस हो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ोन को अनलॉक करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों खैर ये हुई है पूरी कहानी इसी सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट स्मार्टफोन की, जहां पे इस फोन में वैसे कुछ लाइट है नहीं यार, मतलब एक्सेप्ट इसके वेट के जो कि दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है हाथ में, लेकिन इसके अलावा इसमें जो फीचर्स हैं फिर चाहे हम बात करें ट्रिपल कैमरा की या फिर बड़े डिस्प्ले की या फिर स्नैपड्रैगन 855 वगैरह की, बहुत सारे दोस्तों हमको ऑप्शन दिए हैं सैमसंग ने कंप्लीट पैक करते हुए। लेकिन हाँ जो इसकी एक लाइट दोस्तों चीज है वो है इस फोन की कीमत मेरे ख्याल से, बिकॉज यहां पर दोस्तों इसकी कीमत रखी है इंडिया में सैमसंग ने 39,999 रुपीज, और यहाँ पर दोस्तों आप इसको प्री बुक कर पाएंगे 23 जनवरी से ही, और इनफैक्ट जो सेल है वो शुरू होगी 4 फरवरी से। यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ और ऑफर्स भी हैं, वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट है सिर्फ 1999 की कीमत पे, साथ में दोस्तों यहाँ पे कैशबैक वगैरह भी है ICICI कार्ड्स पे 3,000 रुपये का। तो खैर ये है पूरी कहानी इसी सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट स्मार्टफोन की। बाकी खैर मैं दोस्तों आपके लिए लेके आऊँगा ज़रूर इसकी अनबॉक्सिंग आगे आने वाली किसी और वीडियो में। फिलहाल खैर आप बताइए नीचे कमेंट करते हुए कि आपको ये फोन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से अभी का अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नीचे अपना कमेंट भी लिख डालिए, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे जाके पार्टिसिपेट भी कर लीजिए इसी फोन को जीतने के लिए, जो कि डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।